Welcome students to LearnEC. Today we will continue chapter 6, topic dissolution of a partnership firm. So we had earlier first video, first lecture of the same chapter where we have discussion, complete discussion about the topic, about the dissolution process, the number of accounts we have to prepare in it. So in case of any doubt you have, you may go through the first video once again, right beta? Now making practice on the same topic, we just try to solve one problem today, and I just tell you ki how it is to be solved step by step, so that it will be easy for you people to solve it in the final exam. So I am having one problem, students. You can see that A and B sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So two partners we have, they are having 3:2 ratio. Agreed upon the dissolution of the firm. हमने कहा कि partnership can be dissolved by an agreement, mutual agreement. कि अगर partner mutually चाहे तो partnership firm को dissolve कर सकते हैं. So they mutually agreed that the dissolution of the firm on 31st March 2020 will take place, at which date their balance sheet was as follows. ठीक है बेटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे अगर मैं बैलेंस शीट दी हो, हम इस बैलेंस शीट की आइटम्स को कैसे लेजर अकाउंट्स में शो करेंगे. ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है हमें, उसमें सारे एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करना है, दैट वी हैव डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो. किसी को कोई डाउट है कि कैसे एसेट्स को लिया गया रियलाइजेशन अकाउंट में, कैसे लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया गया, आप एक बार फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें बेटा. सो वी हैव द बैलेंस शीट वेयर वी हैव एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. Now I'll just tell you one by one that all the various items, all the various assets, where it is to be taken in the different ledger accounts. हमारे पास कौन कौन से होते हैं बच्चे? Realization account number one पे बनता है. अगर किसी partner का loan to the firm है, हम दो number पे बनाते हैं क्योंकि वो पहले pay करना होता है हमें priority wise payment में. फिर हम बनाते हैं बेटे partners का capital account. ठीक है, और last में हमारा क्या बनता है? Cash या फिर bank account. और बैंक अकाउंट का बैलेंस हो जाना अपने आप में श्योरिटी देता है कि आपका जो सोल्यूशन आपने किया है वो सही है. सो आई जस्ट टेल यू वन बाय वन वेयर वी नीड टू पुट द आइटम्स इन डिफरेंट फोर लेजर अकाउंट्स. क्लियर बच्चे? सो यू मस्ट नो इट दैट व्हाट एवर आइटम्स आर इन द बैलेंस शीट दैट शुड बी प्लेस्ड वन टाइम ईदर इन रियलाइजेशन अकाउंट और इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर बैंक या फिर पार्टनर के लोन अकाउंट में. ठीक है बच्चे, तो जो भी बैलेंस शीट की एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनको सिर्फ एक एक बार दिखाना है, हर आइटम को शो करना है. क्यों करना है बच्चे हमें? बिकॉज वी आर नाउ डिजॉल्विंग द फर्म, द टोटल फर्म इज क्लोज डाउन, ऑल द एसेट्स ऑल द लाइबिलिटीज इट मस्ट बी हैविंग द क्लोजिंग एंट्रीज. ठीक है बच्चे, तो हम रिलेशन अकाउंट में डालेंगे या फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे या फिर हम बैंक अकाउंट में डालेंगे. जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, वन बाय वन हम हर आइटम को, हर एसेट को, हर लाइबिलिटी को दिखाएंगे कि कहां पे वो सिंगल सिंगल टाइम एंटर होती है. क्लियर है बच्चे? अब पहले हम एक बार वर्बली करते हैं, फिर मैं आपको लेजर में एंटर करके दिखाऊंगी किसको कहां कहां शो किया जाता है. फर्स्ट आइटम क्या है बेटा एसेट साइड? कैश. दूसरी क्या है? बैंक. हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट में ही कैश को डालेंगे, बैंक अकाउंट में ही हम बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, इसकी प्लेसमेंट और कहीं नहीं आनी. ठीक है, ये दोनों आइटम्स एक एक कहां पे आएंगे? कैश और बैंक. बैंक अकाउंट ओपन किया आपने, जिसमें आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर आप लिखेंगे टू कैश, दोनों एंटर हो गए बच्चे. देन वी हैव स्टॉक. स्टॉक सन्ड्री डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारी एसेट्स कहां जानी है बच्चे? रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड? डेबिट साइड. मैं फिर से बता रही हूं आपको, स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा. जब हम डेबिट करेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट. क्लियर है बच्चे? सन्ड्री डेटर्स है, साथ में इसकी प्रोविजन है, हमने सीखा था कि ग्रॉस वैल्यू पे, टोटल वैल्यू पे हमने डेटर्स को रिलेशन अकाउंट में डेबिट करना है. और जो उसकी प्रोविजन होती है, इट इज अगेंस्ट द डेटर्स, इट इज अगेंस्ट द एसेट, सो इट इज नॉट टू बी पेड ऑफ सेपरेटली एज अदर लाइबिलिटीज वी विल पे. ये नॉर्मल लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ हमारी प्रोविजन है अगेंस्ट द एसेट.
ठीक है, तो इसको पे ऑफ नहीं करते। वैसे इसको कहाँ दिखाना है, डेटर्स को 66,000 को टू रिलेशन अकाउंट में टू सन्ड्री डेटर 66,000। उसी टाइम आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कहाँ दिखाना बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 वहां जाएगा उसके ऑपोजिट। क्लियर हो गया ये। लोन टू ए, हमने लोन के लिए भी फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था कि इधर लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, अगर वो है तो फर्म की लायबिलिटी होती है, उसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनता है पार्टनर का, उसको अलग से पे किया जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोन टू ए एसेट साइड हो तो इसको हम क्लोज करते हैं डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री डाल के। तो लोन टू ए की एंट्री क्या हो जाती है बच्चे, अगर हम देखा जाए, अगर मैं आपको कहूं कि व्हाट इज द एंट्री फॉर लोन टू ए, इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर है, ये एंट्री होगी ना। इसका मतलब लोन टू ए, जो फर्म ने लोन पार्टनर को दिया, वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, सिंगल सिंगल ट्रीटमेंट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को भी हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को भी हम क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे। फर्नीचर है उसको भी रिलेशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। गुडविल भी नॉर्मल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है, गुडविल भी बाकी एसेट्स की तरह डिसोल्यूशन में नॉर्मल एसेट है। इसकी भी अगर रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है तो उसको हम बाय कैश और बाय बैंक करके गुडविल को रियलाइज करेंगे, अगर दी हुई है तो। अगर नहीं दी हुई तो हम एज्यूम करेंगे कि गुडविल की कोई रियलाइजेबल वैल्यू अब नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस, वी नो दैट इट इज ए करंट एसेट, ठीक है, सो दैट वे इट इज आल्सो टू बी डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर हो रहा है बेटे, सिंगल सिंगल ट्रीटमेंट है इनकी, एक एक बार ही दिखाना है आपको। अगला क्या है बच्चे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, दिस इज फिक्टिशियस एसेट। ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट। तो जितने भी फिक्टिशियस एसेट होते हैं बच्चे, उनको हम कहां दिखाते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी क्या होता है, डेबिट होता है। क्लियर है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो वहां पे ये राइट ऑफ हो जाते हैं जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। क्लियर है, एक बार हम फिर से कर रहे हैं। कैश विल गोज टू बैंक अकाउंट, बैंक विल गोज टू बैंक अकाउंट ओनली। स्टॉक सन्ड्री डेटर्स विद ग्रॉस वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सब आइटम्स हमने रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड शो करनी है। तो इन सब के लिए एंट्री अगर डालनी हो आपको, क्या बन जाएगी बच्चे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। इनकी एक कॉमन एंट्री आ जाएगी, कंपाउंड एंट्री हम जिसको बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चे। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है फिक्टिशियस एसेट है, इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है ओल्ड रेशो में। विच रेशो वी हैव टू यूज, ओल्ड रेशो। क्लियर, नाउ अदर साइड वी हैव लाइबिलिटीज। हम पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर एक एक आइटम को लेजर में लेके जाएंगे बच्चे। ट्रेड क्रेडिटर्स आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। तो हमने कहा था फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया था बच्चे, आप एक बार जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखी, कि ट्रेड क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल जितनी भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। तो इनको रियलाइजेशन अकाउंट में कहां दिखाना है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जितनी वैल्यूज की दी हुई उतनी वैल्यूज उसको ट्रांसफर करना है। लोन बाय बी, नाउ दिस इज ए लोन गिवन बाय बी टू द फर्म, फर्म की लाइबिलिटी होगी। तो जो भी लोन पार्टनर देता है फर्म को, उसको हम अलग से पे करते हैं, उसके लिए अलग से लेजर अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे बी है, हम लिखेंगे बीज लोन अकाउंट। तो बी का लोन अकाउंट है, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का हमेशा हम जो लेजर बनाएंगे हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। वो आपको पता ही बच्चे, जब इसकी पेमेंट हो जाएगी तो हम टू बैंक कर देंगे। ठीक है, तो लोन पार्टनर का जो है वो खत्म हो जाएगा। लाइकवाइज वी हैव रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व है, नॉर्मल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जितने भी फंड आपके क्लेम के बाद बच जाते हैं बेटे, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो।
जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते जाएंगे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा कि जितने भी रिजर्व्स या फंड्स दिए होते हैं उसके अगेंस्ट जो क्लेम होता है उस क्लेम को निकाल के बाकी जो रिजर्व बच जाता है वो सरप्लस रिजर्व जो है सरप्लस फंड जो होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ डालते हैं बाय रिजर्व अकाउंट क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हाट एवर वी नीड टू गिव टू द पार्टनर वी मीन्स फर्म नीड टू गिव टू द पार्टनर्स दैट इज टू बी क्रेडिटेड एंड व्हाट एवर फर्म हैज टू टेक फ्रॉम द पार्टनर्स दैट इज टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो रिजर्व भी ट्रांसफर हो गया बच्चे क्रेडिट साइड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों जो है ये हमारी ओल्ड रेशो में ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो दिया है वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही बनाना आपको तो ए का बी का अगर बैलेंस क्रेडिट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर डेबिट बैलेंस कहीं पे हो पार्टनर के कैपिटल का या करंट अकाउंट का तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो आपको पता ही है वो कैसे ट्रीट करना है। सो इट इज क्लियर नाउ दैट ऑल द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ डिसोल्यूशन फर्म दैट इज टू बी प्लेस्ड वन वन टाइम इधर इन रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट तो सिंगल सिंगल टाइम हर आइटम को आपको शो करना ही करना है। अब हम देखेंगे बच्चे कि इसके साथ जो एडजस्टमेंट्स होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमें टू टाइम्स दिखाना उसका इफेक्ट दो बार दिखाते हैं चाहे वो रिलेशन अकाउंट में एक इफेक्ट आ जाए दूसरा इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में आ जाए या रिलेशन अकाउंट में आता है दूसरा इफेक्ट बैंक अकाउंट में जाता है। सो दैट वे वी हैव डबल इफेक्ट ऑफ दोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन आफ्टर दिस बैलेंस शीट तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे अब जो बैलेंस शीट दी हुई है एसेट्स है हमारे पास लाइबिलिटीज है वन बाय वन जैसे कैश है बैंक है मैं इमीजिएटली आपको इसको कैश और बैंक में ट्रांसफर करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर बच्चे सो वी नीड टू शो द लेजर अकाउंट्स आई हैव विद मी बैंक अकाउंट राइट बेटा दिस इज बैंक अकाउंट आई हैव ओपन नाउ वी विल सी कि व्हाट इज द बैलेंस ऑफ बैंक यू कैन सी कैश एंड बैंक तो 30,000 हम क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 वाई ऑन द डेबिट साइड बिकॉज बैंक अकाउंट इट इज ए करंट एसेट लिक्विड एसेट है बच्चे तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है इसको हमेशा डेबिट किया जाता है जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है इसको हम क्रेडिट करते हैं तो जैसे आपका इनफ्लो ऑफ बैंक बैलेंस होगा तो वो आपका यहाँ पे डेबिट होगा जैसे जैसे हम पेमेंट करते जाएंगे ठीक है चाहे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की है क्लियरेंस है लोन अकाउंट है रिलेशन एक्सपेंसेस हैं लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया गया वो सारी हम पेमेंट्स यहाँ दिखाएंगे एसेट्स को बेच के जो भी आया आपका वो सारा आपका बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो लॉजिक क्या है कि जब भी बैंक अकाउंट बढ़ता है उसको हमें डेबिट करना है जब भी बैंक अकाउंट का बैलेंस कम होता है उसको हमें क्रेडिट करना है तो पहली एंट्री हमारी क्या है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 हमने कहाँ से लिया बच्चे बैलेंस शीट से देखिए बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट 30,000 है अब है कैश अकाउंट तो कैश अकाउंट को हम क्या लिखेंगे बच्चे टू कैश अकाउंट 6,000 बैलेंस चेक करते जाइए 6,000 दिस इज प्लेस्ड। अब हमें ये देखना बच्चे हमने कैश की एंट्री भी डाल दी बैंक की एंट्री भी डाल दी इसको कहीं नहीं दिखाना आपको। नेक्स्ट क्या है स्टॉक हमें अभी डिस्कस किया कि स्टॉक सन्ड्री डेटर्स ये हमारे कहां पे आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो हम स्टॉक और डेटर्स को सी यहां पे मैं क्या लिखूंगी बच्चे स्टॉक अकाउंट जो जो मैंने आपको आइटम्स बैलेंस शीट की बताई थी वो एक एक करके हम सभी लिखेंगे यहां पे डेटर्स अकाउंट देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी चलो पहले इतनी आइटम्स लेते हैं बच्चे कहां से पता चला हमें दैट वी हैव बैलेंस शीट में स्टॉक है 80,000 ट्रांसफर करते हैं डेटर्स है 66,000 प्लांट एंड मशीनरी लिखा मैंने 30,000 तो पहले इतनी अमाउंट को हम ट्रांसफर करने लगे हैं बच्चे स्टॉक 80,000 डेटर्स 66,000 प्लांट एंड मशीनरी
30,000. क्लियर हो गया बच्चे? नाउ नेक्स्ट वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस. ये चारों आइटम्स मैं क्या करने लगी हूं, रिलेशनल अकाउंट में डालने लगी. बच्चे आप देखिए यहां पे, टू लैंड एंड बिल्डिंग इट इज गिवन 33,000. क्लियर? देन वी हैव फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी दी है, 10,000. सो वन बाय वन वी नीड टू प्लेस ऑल द वेरियस आइटम्स. नेक्स्ट आइटम ने क्या रीड की थी बच्चे, गुडविल. गुडविल को हमें यहां पे शो करना है नॉर्मल एसेट्स की तरह, 15,000. अनदर एसेट वी हैव दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, अमाउंट ऑफ दैट इज 1,000. तो ये बड़े सारे एसेट्स हमने एक एक करके डाल दिए. जो वैल्यू हमें दी हुई है इसकी, उसी वैल्यू पे हमने इसको क्या किया, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया. क्लियर हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस तक? नाउ नेक्स्ट व्हाट इज लेफ्ट आउट. मैंने आपको बोला था सन्ड्री डेटर्स के साथ उसकी प्रोविजन है. इसको अगर डेटर्स को अपनी डेबिट साइड दिखाया है रिलेशन अकाउंट की, तो प्रोविजन जो 6,000 की है कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड. तो दिस इज योर रिलेशन अकाउंट. हियर आई विल राइट बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. कितनी अमाउंट से प्रोविजन है बच्चे, 6,000. क्लियर? Now next we have, first of all the various assets. Provision we have done. Loan to A. Loan to A, it is amount of loan given by firm to A. तो हमने entry क्या लिखी थी इसकी, partners capital account debtor to partners loan account. तो ये close हो जाएगा है ना, क्योंकि partners के capital account में हमने balance निकाला कि partner को firm ने कितना देना है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी लोन जो है पार्टनर ने लिया हुआ है फर्म से. अगर हम बैलेंस कैरी डाउन करते हैं, सॉरी ब्रॉड डाउन करते हैं कैपिटल अकाउंट में जो हमने पार्टनर को देना है, तो जो उससे लेना है उसको ऑपोजिट साइड डेबिट साइड करेंगे. मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पार्टनर से लेना होता है फर्म ने वो डेबिट होता है, जो फर्म देती है पार्टनर को वो बेटा क्रेडिट होता है. सो दैट वे लोन टू ए इसको मैं कैपिटल अकाउंट में डाल के दिखाऊंगी बच्चे. वी हैव प्रिपेयर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू लोन टू ए, टू लोन टू ए. कितना लोन दिया फॉर्म ने ए को, 10,000. तो ए के अकाउंट में 10,000 आ गया बच्चे. ध्यान रखना है जो पार्टनर देता है लोन फॉर्म को, वो फॉर्म की लाइबिलिटी है, उसको हमें अलग से पे करना है पार्टनर का लोन अकाउंट बना के. जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, हम शो करेंगे पार्टनर का लोन अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम लिख के हम यहाँ पे उसकी एंट्री डालेंगे. लेकिन अगर फर्म देती है लोन पार्टनर को, जैसे हमारे पास एसेट साइड बोल रहा है लोन टू ए 10,000, दैट इज टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल. क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव, दिस इज डन. All the items you can see one by one we have taken. Last one on the asset side, that is advertisement expense 10,000. तो इसको हमने क्या बोला, ये fictitious asset है, इसको partner के capital account में debit करना पड़ेगा. किस ratio में बेटे, old ratio में. बांट देंगे हम सब partners में old ratio में. तो 10,000 को हम लिखेंगे partners के capital account में. ये रहा capital account, यहाँ पे मैं लिखूंगी to advertisement expenditure account. ओल्ड रेशियो में 10,000 को डिवाइड करना है. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पार्टनर, 3:2. तो अगर 10,000 को हम डिवाइड करेंगे बेटे ए और बी में, हमारे पास क्या कैलकुलेशन आएगी, 6,000, 4,000. सिंपल कैलकुलेशन करके के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम बाउंड होंगे आप लोग फाइनल में, तो टाइम बचाना है आपको. क्लियर हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. तो हमने अगर देखा जाए बैलेंस शीट की हर एक आइटम को कहीं ना कहीं लेजर अकाउंट में शो किया, लेकिन एक ही बार, डबल बार कहीं नहीं दिखाया. क्लियर हो गया बच्चे? कैश को बैंक को हमने कैश अकाउंट में डाला, बैंक अकाउंट में सॉरी. स्टॉक, डेटर्स,
प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारे हमारे एसेट्स हैं, इनको हमने रियलाइज्ड अकाउंट में डेबिट किया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, जो डेटर्स के ऊपर है, इसको हम पे ऑफ नहीं करते, ये कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं, ये सिर्फ एसेट्स के अगेंस्ट प्रोविजन बनाई गई है, तो इसको हमें शो करना है रियलाइज्ड अकाउंट की क्रेडिट साइड, दैट वी हैव डन। लोन टू ए है, पार्टनर ए को लोन दिया गया है बाय द फर्म, तो फर्म इसको वापस लेगी। बच्चे वापस लेने के लिए क्लोजिंग एंट्री हमारी क्या है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीस लोन अकाउंट। इसका मतलब जब ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो भी ए को देना है वो क्रेडिट होता है, जो ए से लेना है वो हमारा डेबिट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये कहाँ दिखाना है बच्चे, लोन टू ए, इट विल बी पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एज कैपिटल अकाउंट। देन लास्ट वी हैव एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है, इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही शो करना, जैसे क्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह हम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस करते हैं, तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को भी ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। क्लियर? नाउ वी विल सी द वेरियस आइटम ऑन द लायबिलिटी साइड, इसको भी एक एक बार दिखाएंगे। तो हम इसको कर लेते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, हमने क्या लिखा है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 80,000, 25,000, तो पहले दोनों आइटम्स ये लेंगे। ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है बच्चे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स, कितनी अमाउंट है क्रेडिटर्स की बच्चे, 80,000। देन वी हैव नेक्स्ट आइटम बाय बिल्स पेबल, बिल्स पेबल के अमाउंट क्या दी हुई है, 25,000। तो दोनों लाइबिलिटीज आपकी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी हमने ट्रांसफर कर दी। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आइटम लोन बाय बी, तो ये फर्म का लाइबिलिटी है, पार्टनर ने दिया है, तो हम इसको अलग से पे करेंगे। इसको अलग से पे करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट बी, ऐसे पार्टनर्स लोन ब्रैकेट में लिख दो बी, बीस लोन अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। जब भी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं बच्चे, जब लाइबिलिटी को पे किया जाता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो लाइबिलिटी फर्म की अभी फिलहाल स्टैंड बाय है कितने अमाउंट से बच्चे, 15,000 से, यहाँ पे लिखेंगे आप। तो इसको अगर कुछ नहीं दिया हुआ, अब साइलेंट है क्वेश्चन कि इसकी पेमेंट हुई है नहीं हुई, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पेमेंट भी करेंगे, वो जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। फिलहाल हमने एक एंट्री डाल दी, लोन बाय बी टू द फॉर्म 50,000। नेक्स्ट वी हैव रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही क्या हमारे क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, तो इनको हमें कैपिटल अकाउंट में क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो इसके लिए हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा, हमारे पास पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ये पड़ा है बच्चे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्या क्या है, रिजर्व, दूसरा क्या है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओल्ड रेशो में दोनों ही क्या होएगा, ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो रिजर्व के अमाउंट जो दी हुई है दैट इज गिवन, हाउ मच इट इज बेटे, रिजर्व वी हैव 34,000, 11,000, 34,000, तो 34,000 को अगर आप डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशो में आपके पास अमाउंट आएगी बच्चे 20,400 एंड 13,600। क्लियर? लाइकवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपके पास जो 11,000 के अमाउंट है जब आप इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे इट विल बी 6,600 एंड पार्टनर वी विल गेट 4,400। आई थिंक क्लियर हो रहा है बेटे आप लोगों को। तो अभी हमने क्या किया कि वन बाय वन वी हैव सीन कि वेयर वी नीड टू पुट द वेरियस आइटम्स गिवन इन द बैलेंस शीट इधर ऑन द एसेट साइड और ऑन द लायबिलिटी साइड इन द डिफरेंट लेजर अकाउंट्स। क्लियर है? अब इसमें बैलेंस शीट तो बनती नहीं, सिर्फ लेजर अकाउंट से बनने ना, बैलेंस शीट क्यों नहीं बनते इसमें, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, क्लोज हो रही है। बैलेंस शीट बनने का मतलब अभी भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू हो रही है फर्म, तो क्योंकि ये फर्म बंद हो रही है सो देयर विल बी नो बैलेंस शीट इन दिस
चैप्टर ओनली रियलाइजेशन अकाउंट से स्टार्ट करते हुए आप बैंक अकाउंट पे इसका खत्म करेंगे। लोन अकाउंट तब बनाना है अगर हमें पार्टनर का लोन दिया हुआ है, अदरवाइज तीन ही लेजर बनते हैं, कौन कौन से, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और थर्ड पे बनता है बच्चे आपका बैंक अकाउंट। सो लास्ट आइटम्स ऑन द लाइबिलिटी साइड कैपिटल अकाउंट्स ए की और बी की 90,000, 30,000। तो कैपिटल अकाउंट में ये तो आना ही आना है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस है तो हमें मालूम है कि क्रेडिट बैलेंस होता है तो स्टार्टिंग हमारी हमेशा कहाँ से होती है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज 90,000 and 30,000। क्लियर? तो अगर आप देखें बच्चे, वी हैव डिस्कस द टोटल बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, कि हर एक आइटम को कहाँ कहाँ आपको शो करना है। तो लाइबिलिटीज का एक बार फिर से मैं रिकैप देती हूँ आपको। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्रेडिट किया, उस हिसाब से हमारी एंट्री क्या बनी बच्चे, ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। लोन बाय बी है, बी का लोन फर्म को दिया हुआ है तो फर्म की लाइबिलिटी है, इसको हम बीज लोन अकाउंट बना के अलग से पे ऑफ करेंगे। तो 15,000 को पहले लिखेंगे लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन दोनों को क्लोज किया जाएगा बाय क्रेडिटिंग इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ओल्ड रेशो में पार्टनर्स के बीच में, ठीक है बेटा। फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट 90,000, 30,000 है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर लाइबिलिटी साइड है तो ऑब्वियसली इसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बाय दिस इट इज क्लियर कि जो बैलेंस शीट दी होगी आपको उसको हर एक लेजर अकाउंट में एक ही बार दिखाना है, कहीं पे भी दो बार नहीं दिखाना। अब हम पढ़ेंगे बेटे इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कि एडिशनली हमें क्या दिया हुआ है बच्चे। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट वी विल स्टार्ट बेटे, ए टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो जितना भी स्टॉक है उसका 50% पहले निकालेंगे आप, उसमें से 20% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो जितनी अमाउंट आएगी बेटा दैट इज टेकन ओवर बाय ए। तो जब भी कोई पार्टनर टेक ओवर करता है एसेट को, हम एंट्री क्या लिखते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। क्योंकि कैश में वो रियलाइज नहीं हुआ एसेट, तो बैंक अकाउंट की जगह पार्टनर का नाम आ जाएगा, रियलाइजेशन को तो आपको क्रेडिट करना ही है, ठीक है बेटा। तो इसकी पहली वर्किंग नोट देखेंगे, पहले तो आप देखिए ये हमारे पास बैलेंस शीट में स्टॉक था जो हमने रिलेशन अकाउंट में 80,000 डाला था, तो 80,000 का 50%। फर्स्ट वर्किंग नोट वी हैव स्टॉक 80,000, 50% इट विल बी 40,000। हाउ मच डिस्काउंट इट इज, 30% डिस्काउंट। इज इट 30 or 20? 20% डिस्काउंट। So that way, how much discount is there? 8,000. तो A ने जो stock take over किया, A take over at 40,000 में से minus 8,000 discount निकल गया बच्चे, तो उसने कितने का stock लिया, वो 32,000 का, 32,000 का। उसके बाद वो क्या कह रहा है, तो पहले हम इसकी entry डाल दें realization account में, realization account, ये हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट है। वी नो जब हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड। लिखना क्या है, जब कोई पार्टनर टेक ओवर करे बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्या लिया उसने, क्या टेक ओवर किया बच्चे, स्टॉक। कितने का निकाला हमने, 32,000। एक बार फिर से देखिए आप कैलकुलेशंस, टोटल स्टॉक था 80,000 का, 50% उसका 40,000, 20% डिस्काउंट निकाला 8,000, ए टेक ओवर एट व्हाट वैल्यू, 40,000, 50% बना, माइनस 8,000 डिस्काउंट निकल गया बच्चे, दैट मींस ही हैज टेकन इट एट द वैल्यू 32,000। तो हमने रिलेशन अकाउंट में क्या लिखा, बाय एज कैपिटल अकाउंट हाइफन डाल के जो एसेट लिया उसका नाम लिखिए स्टॉक, 32,000। क्लियर होगी फर्स्ट एडजस्टमेंट। देन नेक्स्ट वी हैव आगे क्या कह रहे बच्चे,
रिमेनिंग स्टॉक, आप पहले आप देखेंगे कि रिमेनिंग स्टॉक कितना है, 50% 40 था तो रिमेनिंग 40,000 रह गया, वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अब वो 30% प्रॉफिट पे उसको सेल कर रहा है, तो हम रिमेनिंग एडजस्टमेंट करें, एडजस्टमेंट नंबर टू। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग स्टॉक 80,000 का टोटल स्टॉक था, 50% 40,000 निकल गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया बच्चे, 40,000। अब 40,000 का जो स्टॉक है 30% प्रॉफिट पे, आप लिखेंगे 50% जो रिमेनिंग रह गया उसका 30% प्रॉफिट, इसका मतलब कितना प्रॉफिट हो गया बच्चे, 12,000। तो जो हमने बैंक में रियलाइज किया, जो हमने बेचा, वो 40,000 इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, 12,000 उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, तो कितने में सेल हो गया बच्चे, 52,000। क्लियर है? तो हम इसको शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में जब हमें शो करना है बेटे, आपको पता ही है जब कोई एसेट रियलाइज होता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, बाय बैंक। बैंक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है? तो कैश ना लिखना, जो अकाउंट ओपन करना उसी के थ्रू आपको उसकी एंट्री दिखानी है, बाय बैंक। हाइफन डाल के क्या लिखा बचे, रिमेनिंग स्टॉक कितने का, 52,000 का, इसको अंदर वाले कॉलम में डाल देना, टोटल करके हम बाहर लिखेंगे। तो टोटल आपका स्टॉक 80,000 का था, 80,000 का स्टॉक जो था उसमें से 50% जो था पार्टनर ने ए ने टेक ओवर किया, 40,000 आया, किस 20% डिस्काउंट पे, तो 20% 8,000 माइनस हो गए, 32,000 का उसने टेक ओवर किया। वी हैव पुट द एंट्री विद 32,000। रिमेनिंग स्टॉक 80,000 में से 40,000 रिमेनिंग रह गया बच्चे, रिमेनिंग स्टॉक प्रॉफिट 30% पे उसने बेच दिया, इसका मतलब 40,000 का 30%, 12,000 प्रॉफिट आ गया, फर्म ने बेचा उसको 40,000 प्लस 12,000 प्रॉफिट 52,000 का। तो हमने इसकी एंट्री क्या लिखी है बच्चे, बाय बैंक रिमेनिंग स्टॉक एट द वैल्यू ऑफ 52,000। तो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गया जी? अब सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमने कर ली बेटे, ठीक है? थर्ड क्या है, ₹12,000 आउट ऑफ सन्ड्री डेटर्स वर नॉट रिकवर्ड। अब हम क्या कह रहा है कि 12,000 जो है डेटर में से रिकवर नहीं होंगे, इसका मतलब बाकी जो है वो रिकवर होंगे, बाकी हमने रियलाइज कर लेने हैं। तो हम देखेंगे कि टोटल जो एसेट्स थे डेटर्स की अमाउंट कितनी थी, ये देखो आप बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर्स थे आपके 66,000, 66,000 में से 12,000 रिकवर नहीं होने, तो बाकी रिकवर कर लेते हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे इसकी एंट्री बेटे, रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे बाय बैंक, ऑलरेडी बैंक लिखा हुआ है, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं थी हमें। डेटर्स, आपकी डेटर्स की अमाउंट कितनी है, 66,000, उसमें से 12,000 नॉट टू बी रिकवर्ड, तो बाकी रिकवर होंगे वो कितने रहेंगे, 6-2, 4, 6-1, 5, दैट मीन्स 54,000 विल बी रियलाइज फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट एडजस्टमेंट वी हैव, ये भी हो गया थर्ड। फोर्थ क्या बचे, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 1,40,000, इनकी इकट्ठी एंट्री डालते हैं हम, हाफ ऑफ द पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, चलो एक एक करके डालें, सीक्वेंस में चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट 1,40,000, तो ऑलरेडी बाय बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड एट ₹1,40,000। ये 52,000 भी बाहर ले आओ, कंफ्यूजन रहेगी नहीं तो। क्लियर हो गया जी? ध्यान से देखो, स्टॉक की एंट्री डाल ली हमने, 50% रिमेनिंग 50% बेच दिया, डेटर्स का 12,000 की रिकवरी नहीं होनी, टोटल डेटर में से 12,000 माइनस करके 54,000 रिलाइज हो जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के फर्म के पास कितना आया, 1,40,000। क्लियर? नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन वी हैव फिफ्थ, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर, जितने भी क्रेडिटर्स दिए हुए बच्चे आपके पास, क्रेडिटर्स की वैल्यू 80,000, हाफ कितना हो गया, 40,000। एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, हमने फर्स्ट वीडियो में भी क्लियर किया था कि जब भी कोई पार्टनर
सेटलमेंट करता है, एक तरह से लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है, एक तरह से एसेट को टेक ओवर करता है, तो उसकी एंट्री बुक्स में नहीं आती, ठीक है ना। दैट मीन्स वो आपकी एडजस्टमेंट म्यूचुअली हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स हमारे पास क्या है, 80,000, हाफ हो गया 40,000। एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी उसने ले ली एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, ठीक है, एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो जो भी 5,000 है क्रेडिटर्स की अमाउंट है वो उसने पे किए, इसका मतलब जो कैश पे किया है आपने 5,000 क्रेडिटर्स को दिया, बाकी क्रेडिटर्स ने एसेट को टेक ओवर कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी को टेक ओवर कर लिया, तो वो हम शो नहीं करेंगे। लेकिन जो कैश पेमेंट की है 5,000 की इन फुल सेटलमेंट, वो तो दिखाएंगे ना, ठीक है बेटा। तो ये 5,000 हमने आपके रिलेशन अकाउंट में शो करने हैं। उसके बाद क्या है, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स मीन्स आउट ऑफ 80 40,000 रह गए बच्चे, हाफ हमने पहले कर लिया एडजस्ट, रिमेनिंग 40,000 वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो अगर 40,000 का 10% करेंगे 4,000 आ जाएगा, तो कितने पे पे किया आपने, 36,000, 36,000 ये कैश पे किया, ऊपर 5,000 पे किया, तो दोनों को अगर हम देखें टोटल कितनी पेमेंट हुई क्रेडिटर्स को, 41,000। मैं फिर से एक बार क्लियर कर रही हूँ, हाफ ऑफ द ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के अमाउंट है टोटल 80,000। एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, जितनी प्लांट एंड मशीनरी दी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 30,000 दी हुई है, ठीक है, इसका मतलब 10% लेस पे उन्होंने 40,000 के क्रेडिटर्स को एडजस्ट कर लिया, उधर से क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, इधर से आपके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू नील हो जाएगी, ठीक है, एंड कैश ऑफ 5,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। तो जो बाकी है वो 5,000 वो कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट 5,000 एक तो ये दिखानी है बच्चे। अगली एडजस्टमेंट सिक्स में क्या कह रहा है वो, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स, पहले तो रिमेनिंग कितने रह गए, 80,000 में से 80 हाफ कर दिए हमने, 40 हाफ कर दिए, रिमेनिंग 40,000 इज देयर, उसको वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 40,000 का 10% बेटे कितना बनता है, 4,000, पेमेंट कितनी हुई 36,000 की, 5,000 ऊपर पे किए फुल सेटलमेंट में, 36,000 यहाँ पे हो गया, टोटल क्रेडिटर्स को पेमेंट जो हुई है 41,000। तो इसको शो करेंगे हम इन द रियलाइजेशन अकाउंट। आप देखिए टू बैंक अकाउंट, तो जो भी आपके अमाउंट लाइबिलिटी पे ऑफ की जाती है उसको हम लिख देते हैं हाइफन डाल के, क्या पे किया बच्चे, क्रेडिटर्स, कितनी अमाउंट पे की है 41,000, कैसे निकाले हमने, 36,000 सेकेंड हाफ 50% और पहले 50% में से 5,000 उनकी कैश पेमेंट थी, तो 41,000 की टोटल क्रेडिटर्स को पेमेंट हुई है, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 41,000। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन वी हैव, ये देखिए आपने सिक्स एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, सेवेंथ वी हैव रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000। हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का बहुत अच्छे से जर्नल एंट्रीज की थी फर्स्ट वीडियो में, मैं फिर से कह रही हूँ जिन्होंने नहीं एक बार वीडियो देखी है, गो थ्रू द वीडियो एंड कमेंट ऑन दैट कि हाउ यू जस्ट फील इट, कि वेदर इट इज गुड और बैड, अपनी फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें बच्चे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5,000, सो वी नो दैट वेन द फर्म बियर द एक्सपेंस, फर्म पेड द एक्सपेंस, दैट इज टू बी पुट ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि जब भी कोई एक्सपेंस फर्म पे करती है और बियर करती है उसकी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, उस हिसाब से 5,000 की एंट्री बेटे कहाँ आएगी, तो यहाँ पे हाइफन डाल के टू एक्सपेंसेस 5,000। क्लियर हो गया बच्चे, बार बार टू बैंक लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने लिख दिया तो बाकी हाइफन डाल डाल के आप कर सकते हैं इसको, अगर आप लिखना चाहते हैं टू बैंक अकाउंट फिर से वो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा। नेक्स्ट वी हैव एडजस्टमेंट एट, जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर पेड ₹500। वी नो दैट नॉर्मली हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं, टोटल डेटर में से कोई ना कोई ऐसे होते हैं जो नहीं पेमेंट करते,
लेकिन लेटर ऑन जाके अगर वो पेमेंट कर देते हैं, रिकवर हो जाता है अमाउंट बचे, तो ये हमारी फर्म की इनकम हो जाती है कि जो हमने लॉस मान लिया था उसकी रिकवरी होगी। तो अगर वो पैसा आ रहा है, इसको भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? तो 500 के अमाउंट है बचे, व्हाट यू नीड टू राइट, दैट इज बाय बैंक अकाउंट। बेसिकली क्या चीज रिकवर कर रहे हैं? बैड डेट्स थे, नाउ इट इज रिकवर्ड वर्थ रुपीज ओनली 500। क्लियर है? नेक्स्ट 8th एंट्री वी हैव डन। 9th वी हैव ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 1000 वाज डिस्चार्ज। तो पहले आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है वो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, जो बैलेंस शीट में नहीं शो की गई थी, क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटी एज ए फुट नोट आती है बच्चे। तो नाउ इट इज टू बी डिस्चार्ज, इसको पे ऑफ किया जाएगा। लाइबिलिटी है, पे ऑफ करना ही करना है आपको। तो लाइबिलिटी को हम पे ऑफ करते हैं 1000 की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी 1000, सॉरी बेटा 1000 पेमेंट होगी बच्चे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 10,000। अब फर्नीचर को आपने 10,000 में बेच दिया, तो उसको भी आप रियलाइज करेंगे। ऑलरेडी हम ले ही रहे हैं, यहाँ पे आपने डाला तो यहीं पे मैं क्या कर देती हूँ, फर्नीचर के अमाउंट लिख देती हूँ हाइफन डाल के। कितने में बेचा बेटे? इट इज फॉर 10,000। तो देखिए सारे एसेट्स रियलाइज हो गए। जितने एसेट्स को रियलाइज करके दिया हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उनको तो हम रियलाइज करेंगे के करके। लेकिन अगर कोई एसेट नहीं रियलाइज किया, नहीं दिया हुआ, तो उसको आपको रियलाइज नहीं करना, उसको उसी अमाउंट पे नहीं दिखाना, ठीक है? लेकिन अब आप देखिए कि हमें लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स भी थे, बिल्स पेएबल भी थे बेटा। तो क्रेडिटर्स की तो उसने पेमेंट कर दी, ठीक है ना? एक हाफ क्रेडिटर्स थ्रू एसेट्स हो गए और हाफ क्रेडिटर्स को उसने पेमेंट किया। लेकिन बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो अगर नहीं लिखा हुआ आउटसाइडर लाइबिलिटीज के बारे में, कितने अमाउंट में पेमेंट किए, जितने अमाउंट एग्रीड है उतने अमाउंट पे हमें उसको क्या करना है बच्चे, पे ऑफ करना है। तो हम यहाँ पे एक एंट्री और डालेंगे, टू बैंक अकाउंट हाइफन डाल के बिल्स पेबल। कितने अमाउंट के बिल्स पेबल है बच्चे? 25,000। तो आपने सारी एंट्रीज एक एक करके दिखानी है बच्चे, कुछ नहीं छोड़ना। जो आप पैसा आया आपका एसेट्स को बेच के, वो आपने यहाँ दिखाना है। जो लाइबिलिटीज को पे किया, जो एक्सपेंसेस पे किए, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो पे की, ऑल दैट इज टू बी दिस साइड। अगर कोई लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं शो की, तो आपको सेम वैल्यू पे ऑफ करना है। अगर कोई एसेट्स को रियलाइज नहीं दी हो उसकी वैल्यू, तो उसको आपने इग्नोर करना है, तो आपने रियलाइज नहीं करना उसको, ठीक है? जितने दिए हो उनको रियलाइज करो, बाकियों को इग्नोर कर दो। सो वॉट इज नेक्स्ट? हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चे? टोटल ऑफ बोथ द साइड्स। तो जब आप टोटल करेंगे इसका, आपके पास अमाउंट आ जाएगी बच्चे 3,99,500, 3,99,500। अब इस साइड का टोटल जो आता है, इसको इसमें से माइनस करके बच्चे, टोटल ये जो है आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट में से माइनस हो जाएगा, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस, ठीक है ना? तो रिलेशन अकाउंट होता क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मीन्स शोइंग द प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और लॉस। तो जिसमें हम सारे एसेट्स को, सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट करते हैं, सारे एसेट्स को रियलाइज करते हैं, तो जो टोटल नेट इफेक्ट होता है दैट इज इधर प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट है तो इस साइड आएगा, अगर लॉस है तो इस साइड आएगा। और प्रॉफिट और लॉस जाना किनके अकाउंट में बेटे? ट्रांसफर के अकाउंट, किनके अकाउंट में होना है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशो में। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे टू प्रॉफिट, या फिर लिखेंगे आप गेन ऑन रियलाइजेशन। तो किस किस को डिवाइड होना बच्चे? ए एंड बी। ए का कैपिटल अकाउंट एंड बी का कैपिटल अकाउंट। विच रेशो? ओल्ड रेशो, दैट इज गिवन 3:2। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपके पास अमाउंट्स आएंगे बच्चे 55,500 एंड 37,000। हमने क्या किया, ये दो अमाउंट्स कैसे निकालनी है? टोटल ऑफ दिस साइड इट कम्स आउट 3,99,500।
आपका टोटल इन सब आइटम्स का जो होगा वो इसमें से 3,99,500 में से माइनस करना है। जो भी अमाउंट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, उसको ए और बी दो पार्टनर्स हैं इसमें, 3:2 रेशो, दैट इज ओल्ड रेशो में आपने डिवाइड कर देना है। तो ये हमारा रिलेशन अकाउंट क्लोज हो जाता है 3,99,500 वो साइड। क्लियर है बच्चे? सो दिस इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन अकाउंट, दैट हाउ वेरियस आइटम्स ऑफ एसेट्स नीड टू बी पुट ऑन डेबिट साइड, लाइबिलिटीज टू बी शोन, एसेट्स टू बी रियलाइज वट एवर इट इज गिवन, लाइबिलिटीज टू बी पेड ऑफ इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द पेमेंट, द सेम अमाउंट इज टू बी यूज फॉर पेमेंट। ठीक है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, टोटल ऑफ डेबिट साइड डिफरेंस, इफ इट इज ऑन दिस साइड इट विल बी प्रॉफिट, इफ इट इज ऑन दिस साइड इट विल बी अ लॉस। क्योंकि रिलेशनल अकाउंट हमारा एक नॉमिनल अकाउंट है जो डिसोल्यूशन के ही केस में सिर्फ बनता है, बाकी सब में हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब डिसोल्यूशन होती है फर्म की, फर्म खत्म होती है, बंद होती है, क्लोज होती है, वी नीड टू प्रिपेयर द रिलेशनल अकाउंट सो एज टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिलेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। क्लियर बच्चे? सो आपने ये देखा कि ये रिलेशनल अकाउंट बन गया बच्चे। अब इसी की जो एंट्रीज है हमने बाकी अकाउंट्स में ट्रांसफर करनी है। तो पहले हम देखेंगे कि पार्टनर का लोन अकाउंट जो हमने शो किया था वो कितना था। पार्टनर के लोन अकाउंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, हमने सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ ली, नथिंग इज मेंशन अबाउट द पार्टनर्स लोन अकाउंट। 10 एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ये अभी टोटल स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लोन का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि कितनी पेमेंट की है। अगर नहीं दिया हुआ, साइलेंट है क्वेश्चन बच्चे, तो जो भी अमाउंट है लोन की, हमने 15,000 डाला था, 15,000 ये आप उसको पे करेंगे टू बैंक अकाउंट 15,000। इसका मतलब लोन जो है टोटली आपने पे ऑफ कर दिया। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अगर बाय चांस यहाँ पे 15,000 की जगह 12,000 की पेमेंट होती, दिया होता, तो बाकी 3,000 जो होता वो टू रियलाइजेशन अकाउंट करके कर देते, ठीक है ना, तो पेमेंट सॉरी प्रॉफिट हो जाता, तो इसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में भी आ जाती। ठीक है, और अगर ज्यादा अमाउंट पे करते तो फर्म को लॉस हो जाता, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन आ जाता। तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस ऑन पेमेंट ऑफ लोन इट इज शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट टू। लेकिन इस केस में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो जब कुछ भी ना दिया हुआ बच्चे, जितनी अमाउंट होती है फर्म स्टैंड बाय इन द बैलेंस शीट, उतनी अमाउंट को आपको पेमेंट भी करनी होती है, तो ये अकाउंट आपका नील हो जाता है। अब आपने इसके बाद बनाया था बच्चे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, हमने जो जो दिया हुआ था बैलेंस शीट में वो हमने ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा हमने अभी जस्ट रिसेंटली रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट में भी कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो आपके यहाँ पे आएंगी, आप देखिए जरा। सी रियलाइजेशन अकाउंट में कैपिटल अकाउंट की सिर्फ जो पार्टनर्स की एंट्रीज है वो लेनी है हमने। एज कैपिटल अकाउंट स्टॉक जो उसने 32,000 के लिया, तो एंट्री क्या बन गई, एज कैपिटल अकाउंट डेप्टी टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। कितने का लिया बच्चे उसने, 32,000। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे? तो जो भी पार्टनर टेक ओवर करता है आप उसकी एंट्री डाल के देख सकते हैं, उसका इफेक्ट आपको इमीडिएटली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी शो करना है। सो हियर इट इज बाय एज कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम इसकी एंट्री देखें क्या थी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो इस हिसाब से कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री डेबिट साइड आएगी रियलाइजेशन अकाउंट में 32,000 के साथ। अब आप देखिए कहीं और आपकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू एंट्री है एसेट्स, रिलेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड तो कोई नहीं है बेटा, डेबिट साइड भी चेक कर लेते हैं हम लोग थ्रू कैपिटल अकाउंट, कोई एंट्री नहीं है, बट वी हैव प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है वो भी आपको ट्रांसफर करना है। लेट अस ट्रांसफर दिस बाय रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। कितनी कितनी अमाउंट है, इट इज 55,537,000। मैं यहां लिखूंगी 55,500 एंड 37,000। क्लियर है बच्चे? देखो एक बार, आपको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर?
अब आप चेक करो बेटे, कोई आपकी आइटम ऐसी ना हो जो हमने ना डाली हो, अभी तक ट्रांसफर ना की हो. सो वी नीड टू सी वंस अगेन द बैलेंस शीट. ये हमारे पास बैलेंस शीट थी, ठीक है. लोन बाय बी 15,000, ये देखो हमने डाला था पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. चेक करते हैं, ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है. लोन टू ए इट इज 10,000, ठीक है. ये आपके एंट्रीज आ गई हैं, ये भी आपका आ गया है. ओपनिंग बैलेंस आ गया बच्चे, रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया, रिलेशन का प्रॉफिट आ गया. बस सारी एंट्रीज आ गई हैं, तो अब हमें क्या करना है बच्चे, टोटल करना है दोनों साइड्स का. इस साइड का टोटल करें आप, इट इज 1,72,500. इधर का करेंगे हम, क्लियर है बच्चे. सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 1,72,500, 85,000. अब इधर का टोटल करेंगे, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट आ जाएगा. जो हमने बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना अब, ठीक है, क्योंकि हमारी फर्म क्लोज हो रही है, हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट. ये हमारी फाइनल पेमेंट है, फाइनल पेमेंट है पार्टनर्स को. तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे, इट शुड बी, आप कैलकुलेट करना, 1,24,500 मैंने कैलकुलेट किया हो बच्चे. 85,000 माइनस 4,000, 81,000. दोनों साइड्स टोटल सेम दिखाना होते हमें. 1,72,500, 85,000. नाउ लास्ट लेजर, इट इज बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट में हमने बैलेंस शीट में से एसेट साइड दो बैलेंसेस उठाई लिए थे जो हमें गिवन थे. अब बाकी सारी एंट्रीज जो हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट लेजर अकाउंट से, जो सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं बेटे, बैंक की एंट्रीज हैं, वो आपने लेके जानी है. एक बार हम नजर मारेंगे बच्चे, रिलेशन अकाउंट है मेरे पास. रिलेशन अकाउंट में सिर्फ बैंक वाली ट्रांजेक्शन, एक तो ये और ये, इसका मतलब ये सारी एंट्रीज जो हैं आपकी रिलेशन अकाउंट में जानी चाहिए. तो डाल देते हैं हम. मैंने बताया था जब एसेट्स को रियलाइज करते हैं, इट इज टू बी डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट. तो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चे टू, मेरे पास द वे आई नीड टू शो इट, आपको दिख रहा बच्चे, सी दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट और ये हमारा बैंक अकाउंट है. तो पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रिलेशन. तो बैंक अकाउंट में यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, टू रियलाइजेशन. टू रियलाइजेशन कितनी अमाउंट है आपका, स्टॉक है 52,000, ठीक है, देखते जाइए ध्यान से. फिर डेटर्स की अमाउंट थी, इसको आप कलेक्टिवली लिख सकते हैं बच्चे, अलग अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी. लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर भी आपने बेचा था, तो पहले आप इसको लिखिए. स्टॉक हमने लिख लिया, डेटर्स थे हमारे 54,000. फिर हमने लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया था, 1,40,000 आया. 10,000 फर्नीचर को बेच के आया था बच्चे, और हमने बैड डेट्स रिकवर्ड भी किए थे, है ना, 500 रुपये से. तो ये सारा पैसा जो है फर्म में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमने बेच के लिया. अब आप देखिए रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में पेमेंट्स होती हैं, है ना, जो लायबिलिटीज को पे किया, सिर्फ बैंक की एंट्रीज. ये मेरे पास पड़ी बैंक की एंट्री 41,000 की, 5,000 एक्सपेंसेस की है, कंटिंजेंट लायबिलिटी 1,000 पे किया, बिल्स पे भी 25,000 क्लियर किया, और फिर ये, हाँ बस इतनी एंट्रीज हैं आपकी, चार. तो इसी को हम शो करेंगे बैंक अकाउंट में, किस साइड बचे, ऑन द क्रेडिट साइड. आप लिखेंगे यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ऊपर करते हैं इसको, क्लियर हो जाएगा आपको. क्रेडिटर्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, बिल्स पेबल थी, ठीक है. तो एक एक करके अमाउंट लिखे, इकट्ठा भी लिख सकते हैं आप, बाय रियलाइजेशन सन्डरी लायबिलिटीज करके बच्चे. तो क्रेडिटर्स की अमाउंट थी 41,000, एक्सपेंसेस थे
5,000, कंटिंजेंट लाइबिलिटी थी 1,000, बिल्स पेबल की अमाउंट दी हुई हमें 25,000, ये हमने पेमेंट्स की। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है पार्टनर का लोन अकाउंट जो पे किया टू बैंक 15,000, ये भी पेमेंट है। ऑल द पेमेंट्स आर टू बी पुट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। टू बीज लोन अकाउंट 15,000 हमने बी को पे किया। फिर आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की पेमेंट फाइनल निकाली बच्चे, कितनी कितनी है 1,24,581,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय ए'स कैपिटल अकाउंट बाय बी'स कैपिटल अकाउंट 1,24,581,000। तो हमने सारी आइटम जो है बेटे एक एक करके ले लिए, सारी पेमेंट्स आ गई हैं, सारे एसेट्स को रियलाइज करके जो जो अमाउंट आई है वो लिख ली। अब आपका लास्ट स्टेप क्या है, टोटल करना है बेटे। अभी दोनों अगर इक्वल आते हैं हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही सोल्यूशन हुआ है। तो आप चेक करेंगे 0, 0, 5, क्लियर है, 6, 8, 12, 1 कैरी किया, 4, 9, 14, 18 and 1, 19, 2,92,500। इस साइड भी चेक करिए आप, 0, 0, 5, 6, 7, 17, 21, 22, 2 बैलेंस, 6, 8, 9, 11, 8, 19, 1, 1 and 1, 2। That means it shows ki whatever solutions we have done, it is all right. So this is all about bete practical solution. Humne ek question ko pehle uski statement ko discuss kiya completely ki kya aapko diya ho sakta hai. Fir uske through humne uski single items ki adjustment dekhi ki kahan pe uska double effect aata hai. जो बैलेंस शीट में है उसको वन टाइम दिखाना है आपको, एडजस्टमेंट को दो बार दिखाया है तो कहाँ कहाँ दिखाया है। सो डिफरेंट क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग देयर इन द एग्जाम, सो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस ओनली, डोंट गेट पैनिक, सिंगल आइटम को स्टेप वाइज करते जाएंगे आपका आंसर्स बड़े आराम से आपके पास आता जाएगा। सो क्लियर दिस बेटा एंड हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे बेटा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको सब चीज़ें समझ में आई हैं, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए बच्चे। और अगर आपको ये वीडियो आगे भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना इस चीज़ को हम आगे आपको ये वीडियोस प्रोवाइड करते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।